कराची के इलाके कौरंगी ढाई नंबर गरीब नवाज स्टॉप के करीब घर की दहलीज पर डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। बस वो यहाँ बैठा हुआ था, अक्सर बैठे रहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे भी दूसरे बैठे रहते हैं, यहाँ बैठा था। वो आए मोबाइल छीनने के लिए, मोबाइल छीनते हुए उन्होंने कहा हम गोली मार दें, उससे टटोला टटाली की और उसके पास निकला नहीं, मोबाइल ही था। फिर उसको कहना कि दे दे निकाल दे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से लेके वो कहा था उसका जुनेद जो भाई है वो यहाँ खड़ा था टेले के पास, उसको छीना झपटी करने लगे, उससे छीना झपटी करना, कहना दे 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 दे। बच्चों ने भी इनके लड़के में सब ने कहा दे दो मोबाइल दे दो, मोबाइल देने लगे, दे दिए। उसके बाद भी जब भागने लगे तो उसको गोली छोड़ा। मकतूल के बूढ़े वालिद कहते हैं कि चंद महीने बाद बेटे की शादी होनी थी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो कोई इंसाफ वगैरह मिला नहीं है, मैं अपनी तो जवान औलाद खो बैठा हूँ, क्योंकि तो जब से ये गरीब नवाज चौकी बनी है तशद्दुद देख रहे, दिन पर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो कोई तहफ़ नहीं मिल रहा हमें। आए गली के अंदर मेरे बच्चे को मार के चले गए, तो मैं इंसाफ चाहता, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और ये मजीद जो है ना, दूसरों की भी औलादें हैं, कल को ये वक्त उन पर भी आ सकता है, तो हमें तहफ़ दिया जाए, किसी किस्म का कोई तहफ़ नहीं है हमारे साथ। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद 79 हो गई। इन वाकयात से पुलिस की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।